एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजी एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग्स। काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास ये वाली सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या काउंसलिंग के लिए जाएं या ना जाएं, क्या ये कंपलसरी है। तो पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो है वो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को रिप्लाई मिले, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि व्हाट्सएप पे मैं हर एक को रिप्लाई कर पाऊँ या उनके जो कमेंट्स को रिप्लाई कर पाऊँ। तो इस वीडियो के जरिए मैं सबको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे जो गलत कमेंट किया था, कुछ एक दो स्टूडेंट आते हैं, तो उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको उस पर फोकस करना है, बाकी आप जो है वो किसी भी चीज़ पे फोकस मत करो। अदर जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो भी होते हैं सोशल हो गए, मैं आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा उन पे, तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। आपका जो काम है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है उसी पे फोकस करो, ठीक है। और आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करो, नहीं लगती तो आप डिसलाइक करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो गलत कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जो है रियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, पूरी हेल्प आपकी की जाती है इस चैनल पे। तो बात करें ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे 4, पासपोर्ट फोटो आप बनवा लो पास जो है वो किसी भी शॉप से या किसी भी कंप्यूटर शॉप से, वहां से बनवा लो। 12th की मार्क्स कार्ड आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल भी चाहिए होगा, और साथ में जेरोक्स कॉपी भी आप लेके जाओ। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास अलॉन्ग विद जेरोक्स कॉपीज, ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और जो है वो जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको जो है आपके कॉलेज से मिलता है, ठीक है, स्कूल से मिलता है, जिस स्कूल से आपने अपनी 12th पास की है तो वहां से आप बनवा लो, ठीक है, ओके। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है प्रोविजनल के बिना भी जा सकते हैं, एडमिशन हो जाएगी तब भी। 10th का मार्क्स कार्ड आपको लेके जाना है और जेरोक्स कॉपी भी इसके साथ लेके जानी है, 3-4, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, PRC। अगर आपके पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, देन आप जो है वो अपने राशन कार्ड या कुछ और आधार कार्ड वगैरह, जो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ हो, वो आप साथ लेके जाओ, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे बताया गया है, प्रूफ ऑफ फादर ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ देना है फादर ऑक्यूपेशन का, आप आधार कार्ड जो मैंने आपको बताया, अपना जो है वो राशन कार्ड लेके चले जाओ, ठीक है, ओके। इन केस नॉट ऑफ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे प्रूफ ऑफ फादर ऑक्यूपेशन उन स्टूडेंट्स को देना है, नॉट इन केस नॉट ऑफ डोमिसाइल ऑफ जम्मू, अगर किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे डोमिसाइल नहीं है जम्मू कश्मीर का, तो उनको जो आपने पेरेंट्स का जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जाना होगा, जो मैंने आपको बताया, आधार कार्ड और जो है वो राशन कार्ड, ठीक है। ये आप चीज़ जो नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स अगर आपने अप्लाई किया था जो फॉर्म फिल करते रहते हैं, आपको अपने अचीवमेंट सर्टिफिकेट साथ लेके जाने होंगे, ओरिजिनल भी और उसके साथ जेरोक्स कॉपी भी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया था तो देन आप जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएं और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लेके जाएं, ठीक है। डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था वो लेके जाएंगे और जेरोक्स कॉपी भी उसकी। सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लेके जो अगर आपने अप्लाई किया था। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया था देन आप लेके जाएं। फिजिकल चैलेंज जो आता है जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है वो उनके लिए, ठीक है। कंडक्ट सर्टिफिकेट ये आपके अगर आपके पास है तो लेके जाए, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है अभी तो आप साथ लेके जाओ, अगर आपको नहीं मिला तो देन आपका एडमिशन के बाद सबमिट करवा देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी फॉर्म टू बी फिल कॉलेज फॉर ए कैंडिडेट अदर देन J&K वो, ठीक है। जो कैंडिडेट्स अदर देन J&K बोर्ड से हैं तो उनको जो है वो एलिजिबिलिटी फॉर्म जो है वो फॉर्म फिल करना होगा जो है कॉलेज में, ठीक है। जेरोक्स कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट्स को लेके जाने हैं वो हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोकॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर आपने अप्लाई किया तो कैटेगरी वालों को, उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अदर बताए गए हैं यहाँ पे 15 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है, जो स्टूडेंट्स जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाए। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके जो मेन हैं। अगर आपके पास प्रोविजनल नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, देन आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत
जरूरत नहीं, आप फोटो भी अपने साथ लेके जाएं। और आपने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म जो प्रिंट और जो आपको अलाट हुआ है वो वाला फॉर्म आप जो है साथ लेके जाना, ठीक है, उसका प्रिंट आउट करवा के, ओके, वो वाला फॉर्म आप साथ लेके जाना, ये आप एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप जो वो कॉल करके पूछ सकते हो, ओके, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप तक शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।